हिजबुल्ला ने इसराइल के दक्षिणी हाइफा के बिन्यामिना बेस पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया। इस हमले में इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद खामियों की कलाई खोलकर रख दी। वो इसलिए क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त इसराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्ला के ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और दबे पांव इस ड्रोन ने फटने से पहले बिन्यामिना बेस पर एक मिसाइल फायर कर दी जिसमें 60 से ज्यादा सैनिक घायल हुए और 4 सैनिकों की जान चली गई। इस हमले ने इसराइल की ताकत पर बट्टा तो लगाया ही, साथ ही ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या IDF हिजबुल्ला के ड्रोन्स के आगे लाचार है और आखिर कैसे हिजबुल्ला के ये ड्रोन हाइफा के इतनी भीतर तक घुसाए। तो आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है कि ये ड्रोन आयरन डोम को चकमा देकर हाइफा में घुसा। न्यूज एजेंसी का कहना है कि हिजबुल्ला ने जिस ड्रोन को दागा था वो मिर्साद 1 ड्रोन हो सकता है। इस ड्रोन को ईरान में अबाबिल्टी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मिर्साद 1 ड्रोन 120 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और इसकी रफ्तार 370 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। ये ड्रोन 40 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले 11 अप्रैल 2024 को हिजबुल्ला का एक ड्रोन चुपचाप पश्चिमी गलीली में करीब 9 मिनट तक मंडराता रहा था और इसके बाद ये ड्रोन सुरक्षित दक्षिणी लेबनान लौटाया था। हालांकि हालिया घटना को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला ने हाइफा पर 2 ड्रोन दागे थे, दोनों को ही IDF के रेडार ने चिन्हित कर लिया था। इनमें से एक ड्रोन को हाइफा के तट पर मार गिराया जबकि दूसरा ड्रोन रेडार से बच निकला और बिन्यामिना बेस पर जा फटा। टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है कि इस ड्रोन के पीछे इजरायली जेट्स और हेलीकॉप्टर भागे थे लेकिन ये रेडार से बच निकला और IDF इसे ट्रैक नहीं कर पाई। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझाने के लिए हिजबुल्ला ने एक साथ कई रॉकेट्स दागे और इन रॉकेट्स के बीच में उसने ये ड्रोन्स भी फायर किए ताकि आयरन डोम इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में उलझ जाए और पीछे से ये ड्रोन हाइफा तक पहुंचे। वहीं इसराइली एयरफोर्स का कहना है कि ये ड्रोन उत्तर पूर्व एकर के करीब 48 किलोमीटर की दूरी पर रेडार से गायब हो गया था और IDF को लगा कि ये ड्रोन क्रैश हो गया। लेकिन आधा घंटे के भीतर जब ये ड्रोन हाइफा के बेस पर हमला कर रहा था तो उस वक्त ये दोबारा IDF के रेडार पर नजर आया और उस वक्त हवाई हमले का कोई सायरन नहीं बजा जिससे IDF भ्रम में पड़ गई। आपको बता दें कि अभी तक हिजबुल्ला ने इसराइल पर 1200 से ज्यादा ड्रोन्स फायर किए हैं जिनमें से 221 ड्रोन इसराइल के एयर डिफेंस में घुसाए थे। वहीं इसराइल के आलमा रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि उत्तरी बॉर्डर से करीब 559 ड्रोन पार करने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर तेल अविव में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के रिसर्चर डॉक्टर येहोशुआ केलेस्की ने BBC को बताया कि इनमें से अधिकतर ड्रोन्स ईरान द्वारा बनाए गए हैं और लेबनान में हिजबुल्ला को सप्लाई किए हैं। ईरानी ड्रोन्स का रेडार सिग्नेचर छोटा होता है और ये कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं जिससे शुरुआती तौर पर इन्हें पहचानना मुश्किल है। कई बार तो इन्हें पक्षी समझकर एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो सकता है। ये बेहद ही धीमी रफ्तार से उड़ते हैं जिसकी वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। ये लड़ाकू जेट की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के मुकाबले 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। और इस सब के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल को जल्द से जल्द
हिजबुल्ला के इन ड्रोन्स का कोई टिकाऊ और मजबूत तोड़ ढूंढना होगा, और इसराइल ऐसा करने में कामयाब होता है तो हिजबुल्ला के साथ इस बार इसराइल की जंग की दिशा और दशा बदल सकती है।